लश्कर उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र के नसीरपुर कला गांव में सरकारी राशन विक्रेता द्वारा राशन में घोटाला करने का एक मामला सामने आया है, जिसका पर्दाफाश गांव के ही एक व्यक्ति जावेद अली ने सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना के जरिए किया है। आपको बता दें कि ग्रामीण विधानसभा व हैदराबाद ब्लॉक स्थित नसीरपुर कला गांव के एक व्यक्ति जावेद अली ने राशन डीलर हमीद हसन से राशन व राशन कार्ड संबंधी सूचना मांगी थी, जिसमें सामने आया कि राशन डीलर हमीद हसन पिछले 20-25 साल से मृतक के राशन कार्डों पर फर्जी हस्ताक्षर करके उनके नाम पर राशन गबन कर रहा है। यहां तक कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी नसीरपुर कला के सरकारी राशन विक्रेता हमीद हसन ही चालाकी से मृतक व पलायन कर चुके लोगों के नाम पर राशन गबन करके सरकारी राशन में घोटाला कर रहा है। मैं जिला कारागार में बंद हूँ, मेरे चाची के नाम ऑनलाइन नाम है राशन कार्ड, उसने वो क्या काम कर रखा, मेरे सिग्नेचर मार के मेरे पर राशन दिखा रखा है, वो मैंने कस्टडी प्रमाणित करा के अधिकारियों को दे दिया है। मैं 9वें 10वें महीने में जेल में बंद हूँ। ऐसे और APL के राशन कार्ड 450 है, 50-60 याद मिलाते हैं, 300-400 राशन कार्ड का गमन कर रखा है। किसी को मृतक में सबके राशन कार्ड अपने यहाँ रख लेते, कोई अधिकारी इसके यहाँ जांच नहीं करता। अजय इसके यहाँ जांच करी जा, इसके घर में अलमारी में राशन कार्ड मिलेगा, जो राशन ये गमन करता है सरकारी मृतकों के। जांच करने का क्या लगते हैं अधिकारी, जांच नहीं करा रखते, रुक जाते। रात मेरे यहाँ भी 2-2.5 लाख रुपए लेकर बैठे हुए थे, फैसला कर लो ये जांच रुक जाएगी, जांच रुकवा दो, मैं पैसे से मानना नहीं, क्यों गाँव, ये गाँव की है, इन गाँव का भ्रष्टाचार कर रखा है, भविष्य खराब कर दिया लोगों का, जो मृतक है उन्हें जिंदे तरसा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।